हेलो बच्चों, वेलकम टू द मनीष इम्पीरियल क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? चैप्टर वन। और चैप्टर वन का यूनिट वन हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग करेंगे यूनिट टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और इस चैप्टर का या इस यूनिट का लेक्चर नंबर वन करने जा रहे हैं बच्चों। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर वन यूनिट टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, मान लो सपोज करो कि एक बिजनेसमैन है एक्स नाम का, और इसने क्या किया है, अकाउंट्स बुक का 5 कॉपीज करवाए और 5 डिफरेंट अकाउंटेंट्स को इसने क्या किया, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए दे दिया। जैसे 5 डिफरेंट अकाउंटेंट्स ले लो, ए बी सी डी और ई। ठीक है, क्या बोले बच्चों? मान लो कि एक्स नाम का एक बिजनेसमैन है और इसने अपने बिजनेस के अकाउंट्स बुक का 5 कॉपीज करवाया और 5 कॉपीज को 5 अलग अलग अकाउंटेंट्स को दे दिया अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। अब सोचो जरा कि ये जो पांचों अकाउंटेंट है, इन्होंने अलग अलग प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया। जैसे ए अकाउंटेंट ने बताया कि इस बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट है, बी अकाउंटेंट ने बताया कि इस बिजनेस का प्रॉफिट 9,000 है, सी अकाउंटेंट ने बताया कि बिजनेस का प्रॉफिट 9,500 है, डी अकाउंटेंट ने बताया कि बिजनेस का प्रॉफिट जो है 9,600 है, ई अकाउंटेंट ने बताया कि बिजनेस का प्रॉफिट जो है 9,900 है। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझना। एक क्वेश्चन है मान लो अकाउंट्स का क्वेश्चन, और इसका आंसर मान लो दिया हुआ, जैसे कि मान लो बैलेंस शीट टोटल का आंसर दिया मान लो 20,000। ठीक है, और इस क्वेश्चन को 5 अलग अलग टीचर क्या करते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है, मान लो ए बी सी डी और ई। अब मान लो आंसर तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो 20,000 है बच्चों, लेकिन इसमें जो पहला टीचर है, जो ए टीचर है, उनका आंसर आ रहा है 19,000, दूसरे का आंसर आ रहा है 19,500, तीसरे का आंसर आ रहा है 19,200, चौथे का आंसर आ रहा है 18,000, पाँचवें का आंसर आ रहा है 19,300। अब बताओ, जो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब एक स्टूडेंट 5 अलग अलग टीचर से एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है, क्वेश्चन पूछता है, और पांचों टीचर अलग अलग आंसर बताते हैं, तो बच्चा तो कंफ्यूज होगा ना। वही चीज़ यहाँ पर भी है बच्चों। अपने बिजनेस का जब वो अकाउंट्स मेंटेन करवा रहा है तो 5 अलग अलग अकाउंटेंट को दे रहा है, तो प्रॉफिट अलग अलग बता रहा है, तो ये बिजनेसमैन भी कंफ्यूज होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चीज़ है, ये अकाउंट्स के काम में होना नहीं चाहिए। यानी कि जब हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करवा रहे हैं या हम अपने बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करवा रहे हैं, भले ही अकाउंटेंट अलग अलग हो लेकिन प्रॉफिट तो सेम आना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितने भी अकाउंटेंट्स इन्होंने अपना अकाउंट्स मेंटेन करवाया, सब ने अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेशन किया। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सब में यूनिटी नहीं है। यानी कि जितने भी अकाउंटेंट्स थे, जो 5 अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने अकाउंट्स मेंटेन किया, जिसके कारण प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे नियम की कमी है। ठीक है, कॉमन सेट नहीं है बच्चों, कॉमन रूल नहीं इन्होंने यूज किया। ए अपने तरीके से अकाउंट्स बनाया, बी दूसरे तरीके से अकाउंट्स बनाया, सी तीसरे तरीके से अकाउंट बनाया, डी दूसरे तरीके से अकाउंट बनाया, ई जो है अपने तरीके से अकाउंट्स बनाया। तो 5 अकाउंटेंट ने भले प्रॉफिट अलग अलग जो निकाल कर दिया है, इसका मेन कारण ये है कि एक जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल यहाँ पे मिसिंग है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही इंश्योर करता है बच्चों कि भले ही अकाउंटेंट अलग अलग हो लेकिन उनका अकाउंट्स बनाने का तरीका जो है वो सेम होना चाहिए। उनका जो अकाउंट्स बनाते समय जो गाइडलाइन होता है, जो रूल्स होते हैं, वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो एक ही होना चाहिए बच्चों। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि अकाउंट्स का काम में यूनिटी बना रहे, कंसिस्टेंसी बना रहे बच्चों। ठीक है, तो फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक सपोज करो कि एक बिजनेसमैन ने अपने अकाउंट्स का 5 कॉपी, अकाउंट्स बुक का 5 कॉपी करवाया, अब 5 अलग अलग अकाउंटेंट्स को दे दिए अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। जो 5 अलग अलग अकाउंटेंट्स हैं, इन्होंने अलग अलग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके बताया, तो इसका मतलब कि पांचों ने अकाउंट्स अलग अलग तरीके से बनाए होंगे, इसलिए प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है।
तो ये चीज गड़बड़ हो, इसे गड़बड़ का चीज है, अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स पे विश्वास नहीं करेंगे, इससे क्या प्रॉब्लम होगा, अकाउंटेंट पे विश्वास नहीं होगा, इससे अकाउंट्स बुक रिलायबल या विश्वसनीय नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा गड़बड़ का चीज़ है, ये गड़बड़ अकाउंटिंग प्रैक्टिस में नहीं होनी चाहिए, तो इसको दूर करने का काम करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करता है, एक कॉमन रूल बना देगा, एक कॉमन रूल डेवलप कर देगा, और सारे अकाउंटेंट जो है उसी रूल को फॉलो करके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उसी रूल को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन बनाएंगे। तो अगर सारे अकाउंटेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं या कॉमन रूल को फॉलो करते हैं, सेम रूल को फॉलो करते हैं, तब इस बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा, अलग अलग अकाउंटेंट सेम ही बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो यही है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो गया, एक कॉमन या जनरल एक्सेप्टेड रूल होता है, और अकाउंट्स के काम करते समय भले ही अकाउंटेंट अलग हो लेकिन वो सब एक ही नियम का पालन करते हैं, कॉमन रूल कॉमन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ताकि अकाउंटिंग प्रैक्टिस में अकाउंट्स के काम में यूनिटी बनी रहे, एक जैसा लगे, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों, कि कॉमन रूल, अब तुम ही सपोज करो कि एक स्टूडेंट है एमपी मध्य प्रदेश का और एक स्टूडेंट है बिहार का, अगर दोनों अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं मान लो, अब ये दोनों एक कंपनी में गए, दोनों गए अकाउंटेंट के रूप में, अब एक ही बिजनेस का अकाउंट्स क्या होगा, ये लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे, तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, गड़बड़ी होगी। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक कॉमन रूल या कॉमन गाइडलाइन अकाउंट्स में डेवलप किए गए हैं, जिसको हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं बच्चों। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन भी कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों मेन ज़्यादा यूज होने वाला पॉपुलर वर्ड क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन भी कहते हैं बच्चों। तो सुनते जाओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उस समय वो जो नियम का पालन करते हैं, जो रूल्स फॉलो करते हैं, उसी रूल को कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर हो। जैसे कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन की 5 कॉपीज को जब अलग अलग अकाउंटेंट के पास दिया गया, और ये 5ों अकाउंटेंट जो है अलग अलग प्रॉफिट का कैलकुलेशन किए, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं माना जाएगा, कोई इस पर विश्वास ही नहीं करेगा, रिलायबल ही नहीं है। और अकाउंटिंग में इस बात पे जोर दिया जाता है कि अकाउंट्स जो है, जो मेंटेन किया गया, जो प्रॉफिट निकाला गया, वो क्या हो, रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, ठीक है। तो अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय या अकाउंट्स मेंटेन करते समय एक रूल को फॉलो करते हैं, और रूल कैसा होता है बच्चों, जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल या कह सकते हो कॉमन रूल। तो उसी रूल को अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। और इसके लिए ऐसा करने पे क्या होता है, इसके लिए अकाउंट्स ऐसा करने से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेंटेन करने से, कॉमन रूल आपका मेंटेन करने से अकाउंट्स का काम ट्रू एंड फेयर हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अकाउंटेंट के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स मेंटेन करते समय जो नियम वो यूज करते हैं, जो रूल्स वो फॉलो करते हैं, उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। और अकाउंट्स हमारा ट्रू एंड फेयर हो, इसके लिए हर अकाउंटेंट को अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना जरूरी है, जब वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल बच्चों कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर, बहुत सारे एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, जरूरत के आधार पर, जो अकाउंटिंग प्रोफेशंस है इन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डेवलप किया है, जिसका यूज प्रेजेंट में या पास्ट में आपका अकाउंट्स के कामों में किया जाता रहा है, ठीक है। जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज होता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज होता है, इवन हम लोग पढ़ते हैं तो हमें भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी रूल्स या गाइडलाइन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को और भी नामों से बोला जा सकता है, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल लो, अकाउंटिंग कन्वेंशन बोल लो, अकाउंटिंग एजम्पशन बोल लो बच्चों। तो ब्रीफ कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है बच्चों। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब
एक कॉमन रूल, एक गाइडलाइन जिसको अकाउंटेंट को उसका पालन करना है जब वो अकाउंट्स का काम कर रहे होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही है सिंपल। इससे क्या होता है कि अकाउंट्स हमारा ट्रू एंड फेयर होगा। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं अकाउंटेंट तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, सबका अलग अलग प्रॉफिट शो होगा तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे फिर अकाउंट्स के कामों में, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमारा सही हो, फेयर प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग पर्पस है, इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अकाउंटेंट लोग, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है बच्चों? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक गाइडलाइन या रूल है जिसे अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय या अकाउंट्स मेंटेन करते समय फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, जिससे अकाउंट्स हमारा ट्रू एंड फेयर होता है, ठीक है। तो ये आप रीड कर लोगे, ये भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वही सिंपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एजम्पशन बच्चों सेम ही होता है। इसको भी रीड कर लोगे, इसको भी रीड कर लोगे। अब फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखोगे तुम लोग एक विड्रीव फॉर पर्सनल एक्सपेंस, ये बच्चों कौन सा एक्सपेंस है? पर्सनल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? पर्सनल एक्सपेंस है। अब पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं? ड्राइंग। क्या मेंटेन करते हैं? ड्राइंग। एक होता है आपका सैलरी पेड, आरएस 10,000। तो ये जो सैलरी पेड है ये कौन सा एक्सपेंस हो गया? बिजनेस एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है और ऑनर का ट्रांजैक्शन, ये दो अलग अलग एंटिटी है, ये दो अलग अलग पार्ट होने चाहिए, ठीक है। यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग रिकॉर्ड कीजिए और ऑनर के ट्रांजैक्शन को अलग रिकॉर्ड कीजिए बच्चों। तो यही आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट एम्फेसाइजेस द सेपरेशन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स ऑनर। इसका मतलब बिजनेस का जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अलग से रिकॉर्ड करना है और ऑनर के ट्रांजेक्शन को अलग से रिकॉर्ड करना है। इसलिए हम लोग जब भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ करते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? ड्राइंग अकाउंट यूज करते हैं बच्चों। कौन सा अकाउंट? ड्राइंग अकाउंट। तो ये बच्चों क्या आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और उसका ऑनर दो सेपरेट एंटिटी है। मीन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन को अलग रिकॉर्ड करोगे और पर्सनल ट्रांजेक्शन या ऑनर ट्रांजेक्शन को अलग रिकॉर्ड करोगे। और जब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जब भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसके व्यू पॉइंट से मेंटेन होना चाहिए? बिजनेस के व्यू पॉइंट से मेंटेन होना चाहिए बच्चों। बिजनेस के व्यू पॉइंट से, जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा मान लो विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस, तो यहाँ पर्सनल एक्सपेंस है मान लो 5,000, यहाँ पर्सनल एक्सपेंस है लेकिन पैसा विड्रॉ कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखेंगे कि पैसा क्या हो रहा है? मालिक के पास जा रहा है। पर्सनल एक्सपेंस में कि पर्सनल एक्सपेंस के लिए मालिक के पास पैसा जा रहा है। तो जब भी अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है किसके व्यू पॉइंट से? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। जैसे आप लोग एक जनरल एंट्री देख लो, जनरल एंट्री है जैसे राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मान लो 1,00,000। अब इसमें देखो क्या हुआ कि राम बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है तो राम ऑनर हो गया। अब राम बिजनेस में पैसा लगाया तो हम किसके तरफ से सोचकर अकाउंट्स बनाएंगे बच्चों? राम के तरफ से क्या? नहीं, हम बिजनेस के तरफ से सोचकर अकाउंट बनाएंगे। तो बिजनेस के तरफ से देखोगे तो राम बिजनेस में 1,00,000 लगाया तो बिजनेस में कैश आपका कमसिन हुआ, डेबिट। अब बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो कैश डेबिट का मतलब कि बिजनेस के तरफ से सोचे तो राम बिजनेस में पैसा लगाया, यानी कि बिजनेस के तरफ से सोच रहे हैं तो पैसा आया, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। उसी तरह एक और ले लो, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस आरएस 5,000। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं? ड्राइंग। और ड्राइंग कैपिटल में माइनस किया जाता है इसलिए इसको हम डेबिट में दिखा देंगे। कैपिटल आपका क्रेडिट बैलेंस है, अगर कैपिटल में से माइनस करना है तो क्या करो? उसका रिलेवेंट डेबिट में दिखा दो। तो ड्राइंग आपका कैपिटल से चार्ज होता है डेबिट में। अब यहाँ पे मालिक पैसा निकाल रहा है ना, तुम किसके तरफ से सोच के बनाए? बिजनेस के तरफ से। तो बिजनेस के तरफ से सोचेंगे तो पैसा क्या हो रहा है बच्चों? जा रहा है। तो क्या कर देंगे? कैश अकाउंट।
तो जहाँ भी इस तरह का हम जर्नल एंट्री बनाए ना बच्चों, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस का ऑनरशिप और बिजनेस का मैनेजमेंट या बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है, और अकाउंट्स बुक हम किसके व्यू पॉइंट से बनाएंगे? बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनाएंगे। और कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि कैपिटल तो बिजनेस का ही है, बिजनेस का मालिक का है, मालिक पैसा लगा है, लेकिन बिजनेस को मालिक को अलग रखा गया है। इसलिए सपोज करो कैपिटल लगाया बिजनेस में, मान लो ये बिजनेस है, कैपिटल लगाया, तो हम किसके तरफ से देखेंगे? कैपिटल के तरफ, बिजनेस के तरफ से। तो बिजनेस के तरफ से देखेंगे तो मालिक जो पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। ठीक है बच्चों? और ड्राइंग मतलब पैसा निकाल कर ले गया, तो ड्राइंग बिजनेस का क्या होता है? एसेट्स होता है। एकदम सेपरेट रख रहे हैं बच्चों। तो यही है जहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट इसलिए यूज करते हैं बच्चों क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। और ये बहुत पहले से डबल एंट्री सिस्टम जब से स्टार्ट हुआ तब से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो ड्राइंग टू कैश, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश टू कैपिटल। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों? एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन और ऑनर का ट्रांजेक्शन सेपरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, या बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है। और अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाना चाहिए? बिजनेस के तरफ से। और यहाँ पे कैपिटल क्या है? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैपिटल क्या हो गया बच्चों? लायबिलिटी। और ड्राइंग क्या हो गया? एसेट्स हो गया बच्चों। इसको पढ़ लोगे बच्चों और ये भी पढ़ लोगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक यहाँ पे एग्जांपल समझना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि डोनेट RS 1000, इसका मतलब क्या हुआ? हम डोनेशन दे रहे हैं। और किससे दे रहे हैं? बिजनेस फंड से। तो डोनेशन तुम्हारा एक्सपेंस हो गया डेबिट, और टू क्या कर देंगे? कैश दे देंगे 1000। वही ऐसा क्वेश्चन रहे, डोनेट 1 unit ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा? होगा क्या एंट्री? बिल्कुल नहीं होगा, नो एंट्री करते थे, याद होगा 11th में पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि उसी ट्रांजेक्शन को या उसी इवेंट को या उसी फैक्ट को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं जो मनी टर्म में हो, मॉनेटरी टर्म में हो। यानी कि जिस ट्रांजेक्शन का मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में होगा उसी को हम अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जहां जिस इवेंट या फैक्ट का मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में नहीं है उसको हम अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बच्चों। यही है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, रेंट पेड 80,000, रेंट पेड RS 80,000। तो इसका एंट्री करेंगे ना, क्योंकि 80,000 क्या है? मनी मेजरमेंट है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। और एक है तुम्हारा हेल्थ ऑफ, ऐसे करके हेल्थ ऑफ अ मैनेजर। बताओ तो यहाँ मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट हो रहा है क्या? मनी टर्म में मेजर कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पाए। मैनेजर का हेल्थ में यहाँ पैसा उसा के कोई बात ही नहीं हो रही है, तो कहेंगे कि यहाँ पे इसका कोई एंट्री नहीं होगा, ये आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यही आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब कि अकाउंट्स में वही फैक्ट, इवेंट या ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें उस देश के करेंसी के मनी में एक्सप्रेशन हो। यानी कि जिस ट्रांजेक्शन का मेजरमेंट, जिस इवेंट का मेजरमेंट, जिस फैक्ट का ही मेजरमेंट हम मॉनेटरी टर्म में कर सकते हैं उसी को अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और जिसका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में नहीं करते उसको हम अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये थोड़ा देर वीडियो पॉज करके पढ़ लोगे, ये भी पढ़ लोगे। चलो आगे, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट देखो क्या है। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। देखो, इसको एक और नाम दे सकते हो, इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी दे दो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो, किसी भी बिजनेस का अगर हमको परफॉर्मेंस मेजर करना है या किसी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आप लोग जनरली, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? 1 year के लिए बनता है। ठीक है, 2 year के लिए कभी नहीं बना है, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक पीरियड को फिक्स कर दिया गया, वो पीरियड क्या होता है? 1 year का। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट।
सोचो थोड़ा देर के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम 10 ईयर्स का बनाते हैं, यानी कि हमारा पीरियड क्या होता है 10 ईयर्स का बनाते हैं, तो समझ जाओ जब 10 ईयर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग करने में, एनालाइज करने में कितनी परेशानी होती, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए बनता है, या जो भी हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं वो एक फिक्स पीरियड के लिए बनता है, जो कि आपका 1 साल का होता है, 1 ईयर का। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा बच्चों? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, और ये अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा एजम्पशन है जिसमें एंटिटी का इंडिफिनिट लाइफ और इनकन्वीनियंस इट कॉज टू मेजर द एंटिटीज परफॉर्मेंस। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस चल रहा है तो उसका कोई टाइम थोड़ी है, कितना भी चलेगा। तो अगर किसी बिजनेस का हम 100 साल का परफॉर्मेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे गया तो कोई फायदा है क्या? तो एक ऐसा पीरियड तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है जो कन्वीनियंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, उसको एनालाइज करने में, बनाने में सुविधा हो। 100 साल का मान लो कंपनी का बैलेंस शीट बना रहा, 1900 से 2000 तक का, पूरे 100 साल का सोच के देखो ना, 100 साल का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। 100 साल छोड़ दो, 10 साल का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कितना परेशानी होगा, कितना इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग जो है एक फिक्स पीरियड के लिए मेंटेन होना होता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फिक्स पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। और फिक्स पीरियड क्या होता है बच्चों? तो जो हमारा हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, या कैलेंडर ईयर अगर ले लो तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है ना, या पूरे 12 महीने का, 1 ईयर मतलब 12 महीने का फिक्स पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। तो ये था बच्चों पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसको पढ़ लोगे। नेक्स्ट है, ये पढ़ लोगे, ये भी एग्जांपल ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। एक है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ध्यान देना, तुम लोग को याद होगा जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मान लो इधर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट दे दिए, मान लो 10,000, रेंट 10,000, 1 लाख दे दो, रेंट मान लो 2,000 पर मंथ था, और रेंट केवल है क्या है 11 मंथ का ही पेड हुआ, तो रेंट कितना देंगे? 2,000 × 11 कितना हो जाएगा? 22,000। तो ये तो आपका पेड हुआ, लेकिन तुम लोग को याद होगा कि 1 मंथ का ड्यू है ना, क्योंकि 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, लेकिन आपने 1 मंथ का पेड, 11 मंथ का पेड गया, 1 मंथ का क्या है? ड्यू है। तो जो बकाया वो आपका क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग। उसको हम लोग क्या करते थे बच्चों, याद है ना, जोड़ ऐड करके दिखाते थे 24,000। क्यों ऐड करते थे? तो यही कॉन्सेप्ट है, मतलब कि 1 साल में होता है 12 मंथ, ठीक है, और 12 मंथ का जो रेंट होगा वो पूरे 12 मंथ के रेंट को ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यही बच्चों अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब ट्रांजेक्शन्स और इवेंट रिकॉग्नाइज्ड होगा जब वो होते हैं, यानी कि एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। यहाँ पे हम लिख देते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड, यानी कि एक्सपेंस उसी साल में रिकॉर्ड होगा जिस साल में हुआ है। अब एक साल में कितने हैं? 12 महीने, 12 महीने का रेंट है, तो इसी ईयर का खर्चा है, तो इसको इसी ईयर में रिकॉर्ड करो, चाहे तुम्हारा पेड हो गया हो या ड्यू हो, ठीक है ना। तो वही चीज़ कह रहा है बच्चों कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ट्रांजेक्शन और इवेंट को आप रिकॉर्ड करें जब वो हो गया हो, चाहे कैश पेड हुआ हो या ना हो, रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो का मतलब इधर कैश इज पेड और नॉट। देखो यहाँ पे 11 महीने का पेड हुआ है तो लिख दिए, 1 मंथ का पेड नहीं आउटस्टैंडिंग, लेकिन वो इसी ईयर में खर्च हुआ है ना, क्योंकि इस ईयर में टोटल 12 महीने का रेंट है, तो इस जिस ईयर में खर्च हुआ उसको उस ईयर में रिकॉर्ड करो, चाहे आपने पेमेंट किया हो या पेमेंट नहीं किया हो। उसी तरह इनकम में भी आ जाता है रेवेन्यू, रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अर्नड या व्हेन दे आर अर्नड, ठीक है ना। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जिस ईयर में इनकम हुआ हो,
उसको उस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, भले ही आपने रिसीव्ड किया हो या नहीं किया हो। जैसे मान लो हमारा फ़ी ले लो, ठीक है, मान लो 2000 पर मंथ फ़ी है, और हमारा एक साल का कितना इनकम होगा, 24,000, लेकिन हमको सिर्फ फ़ी मिला, मान लो 9 मंथ का फ़ी मिला है, तो 2000 × 9 18,000 हमारा क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। लेकिन हमारा एक साल का इनकम कितना है, 12 मंथ का है, तो हमारा 18,000 तो हमारा इनकम है ही, लेकिन हमारा फ़ी जो है रिसीवेबल, जो बकाया है, जो आउटस्टैंडिंग है, वो कितने मंथ का है, 3 मंथ का। तो ये भी हमारा उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा, भले ही रिसीव्ड ना हुआ हो, क्योंकि हमारा पूरे एक साल का इनकम कितना है, 24,000, ठीक है, क्योंकि हमने बच्चे को पढ़ाया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनकम या रेवेन्यू उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा जिस ईयर में अर्न किया गया है, ठीक है बच्चों। तो यही है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और हम लोग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं बच्चों, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। लेकिन टैक्स अकाउंटिंग जो होता है वो कैश कॉन्सेप्ट के आधार पर चलता है। तो एक डिफरेंस देख लेते हैं, इसको पढ़ लोगे बच्चों। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है, जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ है उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करो, चाहे आप पेमेंट किए हो या बकाया हो। उसी तरह इनकम या रेवेन्यू उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर में अर्न किए हो, भले ही आपका बकाया हो या आप रिसीव कर चुके हो। और एक होता है टैक्स, हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। हमारा अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्रूवल कॉन्सेप्ट। लेकिन टैक्स अकाउंटिंग भी मेंटेन होता है, तो उसमें बच्चों कैश कॉन्सेप्ट चलता है। तो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। एक्रूवल बेसिस क्या है, जैसे कि मान लो रेंट हमारा 12 मंथ का देना है, 2000 पर मंथ है इंटू 12, 24,000 हमारा एक साल का खर्च हुआ, इसमें से हमने रेंट पेड किया 10 मंथ का, मान लो 20,000, 2 मंथ का रेंट आपका ड्यू हो गया 4,000। तो एक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि हमारा पूरे एक साल का कितना रेंट पे खर्चा हो गया, तो 24,000 आप भले ही पेड किए हो या ड्यू है, सबको रिकॉर्ड कर दो। मतलब जिस ईयर में खर्च हुआ उसको उस ईयर में रिकॉर्ड कर दो, चाहे आपने पेड किया हो या ड्यू किया, ठीक है, एक एक्रूवल बेसिस हो गया। और हम लोग का अकाउंटिंग सिस्टम इसी बेसिस पे चलता है। कैश बेसिस में क्या होगा, तो रेंट हमारा है 2000 पर मंथ, एक साल का अकाउंट होता है 24,000, और उसमें से हमने रेंट पेड किया सिर्फ 10 महीने का 20,000, और 2 महीने का रेंट क्या है, ड्यू है, बकाया है 4,000। कैश बेसिस क्या कहता है कि जिस ईयर में आप जितना पेड कर दिए, जिस ईयर में जितना आप पेड किए हैं, वो उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा एज एन एक्सपेंस। तो बताओ कैश बेसिस से कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, ये जितना आपने पेड किया है 20,000, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कैश बेसिस, ठीक है। तो जनरली हम लोग का अकाउंटिंग सिस्टम कौन से बेसिस पे बच्चों, एक्रूवल बेसिस। एक क्वेश्चन है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, पहले इसका जनरल एंट्री बनाओ। मशीनरी खरीदे तो क्या होगा जनरल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे देखोगे मान लो 50,000 और कैश कितना गया 50,000। मशीनरी हमारा क्या है, एसेट्स, तो एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है 50,000 से, मशीन खरीदे तो मशीन आया ना 50,000 से। कैश भी तो एसेट्स है, तो एसेट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है हमारा, तो एसेट डिक्रीज भी हो गया 50,000 से। तो जितना एसेट्स आया उतना एसेट्स गया, तो मतलब न तो टोटल एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, न टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, आपका टोटल एसेट्स क्या है, अनचेंज है। मतलब कि कैश गया एक एसेट गया, और मशीन आया दूसरा एसेट्स आ गया, वैल्यू सेम है बच्चों। तो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश का मतलब कि आपका मशीन आया, मतलब एक एसेट्स इंक्रीज हुआ, और कैश गया एक एसेट्स आपका डिक्रीज हुआ। तो बात तो बराबर ही है, 50,000 का मशीन आया, 50,000 का कैश गया, और मशीन और कैश दोनों एसेट्स है, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है बच्चों। तो आंसर क्या होगा, रिटेन्स टोटल एसेट्स अनचेंज्ड। तो ये था बच्चों, इतना देख लोगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।